राज्य सूचना आयोग किसी भी स्टेट के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे हायर अथॉरिटी है, यानी एक हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो उस पे सुनवाई करता है। अपील उन वहाँ फाइल होती है और अपील पे वो सुनवाई करते हैं, यानी धारा 6 में जो आवेदन मांगी गई थी सूचना की, उस पे सूचना नहीं दी गई और जन सूचना अधिकारी के सुपीरियर अथॉरिटी को प्रथम अपील फाइल की गई, उसके द्वारा भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो आपके पास ये रेमेडी है कि सेक्शन 19 के क्लास 3 में आप सेकंड अपील संबंधित स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग में फाइल कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग में फाइल करते समय आपको 3-3 कॉपियों में उसकी कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स शुरू से लेकर के और सेकंड अपील में फाइल करने तक सारा डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करना पड़ेगा, कोर्ट फीस उसमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद वो कमिश्नर के सामने पुट ऑफ होगा, कमिश्नर उस पे ऑर्डर कर सकते हैं कि जन सूचना अधिकारी सूचना दे और उसके साथ साथ उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकते हैं, और अगर कारण अस्पष्ट नहीं है तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और विभागीय कार्रवाई करने के लिए उनके सर्विस बुक में एंट्री भी करने के आदेश दे सकते हैं, यानी जो सूचना आयोग है उसको सूचना अधिकार अधिनियम में अनलिमिटेड पावर है, वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी कर सकते हैं और पनिशमेंट की कार्रवाई भी कर सकते हैं और डायरेक्शन भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कर सकते हैं, और सर्विस बुक में संबंधित जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के रिकॉर्ड में बैड एंट्री का भी आदेश कर सकते हैं।